हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आ चुका हूँ एक नई ब्लॉग के साथ में। ये एक ब्लॉग इस तरीके का ब्लॉग होने वाला है जिसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मैंने अभी ना आपने थंबनेल देखा होगा, वो थंबनेल एडिटेड है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो वीडियो। बाकी वो एडिटेड है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बाकी मेरे को अभी एक लैपटॉप लेना है। मैंने इससे पहले एक लैपटॉप लिया था, वैसे तो एक लैपटॉप मैंने लिया है, वो 50,000 का लैपटॉप लिया था। मेरे को बेसिकली चाहिए एक है ना वीडियो एडिटिंग और यहाँ पे थोड़ा बहुत गेमिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए। तो मेरे को आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना था। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप मेरे को सजेस्ट करके बताओ कि मेरे को कौन सा लैपटॉप यहाँ पे लेना चाहिए। मेरा बजट मतलब EMI पे ले सकता हूँ मैं। अभी आपको पता, मेरा YouTube चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, इस पे थोड़े से अच्छे अगर व्यूज आ जाते हैं तो मैं EMI पे एक लैपटॉप यहाँ पे ले सकता हूँ। अब वो लैपटॉप मैकबुक भी हो सकता है, फिर विंडोज भी हो सकता है। अब वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि विंडोज में क्या होता है ना कि आप है ना यहाँ पे वर्जन वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैकबुक में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और फाइल ट्रांसफर वगैरह भी थोड़ा मुश्किल है। तो मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि ये चीजें मतलब ज्यादा डेली लाइफ में ज्यादा दिक्कत तो यहाँ पे नहीं देंगी। आपने अगर कभी यूज किया या फिर आपने और भी वीडियोस यहाँ पे देखी है चैनल के ऊपर, बहुत सारे चैनल होते हैं तो ये इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ। और मैं ना भी है ना 28 या फिर 30 तारीख को भी है ना स्टोर में जाके देखने वाला हूँ कि EMI पे मेरे को कितने का पड़ जाएगा या फिर कोई चार्जेस भी लगते हैं। अभी मैंने एक देखा था मैकबुक का ही M2 यहाँ पे देखा था, और विंडोज के तो मैंने काफी ज्यादा देख रखे हैं। विंडोज के तो बहुत सारे हैं जो मैंने मतलब देख रखे हैं कि ये थोड़ा सा हो सकता है। तो बोल रहे हैं ना EMI के अंदर ऐसा होता है कि थोड़ा बजट के बाहर भी जा सकते हो क्योंकि उसको धीरे धीरे चुकाना होता है। तो आप मेरे को अभी कंफ्यूजन है कि मैं मैकबुक लूँ या फिर विंडोज लूँ। विंडोज का तो है ही, वो तो लेना मतलब भाई। बाकी ना मैकबुक का मेरे को आप लोगों से पूछना था कि मैकबुक क्या सही रहेगा। मेरे को नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करनी है और गेमिंग भी मतलब थोड़ी बहुत हो जाए। बाकी मैंने थोड़ी बहुत रिव्यूज या फिर वीडियोस देखी थी तो गेमिंग काफी ज्यादा मुश्किल है अभी तक। तो जितनी भी मैंने वीडियोस देखी थी ना, सब में ऐसा ही था कि मैकबुक में काफी ज्यादा मुश्किल है। और एयर ही ले सकता हूँ मैं तो एयर में से, या तो M2 भी काफी ज्यादा महंगा है, उसकी तो EMI और भी ऊपर चला जाएगी। तो M1 ऑप्शन में बचता है और उसके अंदर भी थोड़ा बहुत पोर्ट्स वगैरह की दिक्कत होती है, तो उसके अंदर भी काफी मतलब मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो कि मेरे को कौन सा लैपटॉप सही रहेगा। मेरी रिक्वायरमेंट वैसे तो है ना एक एडिटिंग की है, एडिटिंग का ये है मेरा थोड़ा सा फाइल्स का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो क्या विंडोज के अंदर, और विंडोज के अंदर भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा मेरे को लैपटॉप लेना चाहिए। इससे पहले मैंने एक लैपटॉप लिया था, मैं आपको उसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाला एक मैंने यहाँ पे एक लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो लैपटॉप लिया था। इसका ये है ना HP की तरफ से लिया था, मैं आपको दिखाऊं तो HP की तरफ से ये रहा, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसके अंदर है ना यहाँ पे इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन इस तरफ नहीं है, तो आप यहाँ पे प्राइसिंग एक बार ही देख सकते हो। प्राइसिंग यहाँ पे देख सकते हो, ये 55 का यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर 899 है, लेकिन है ना फिर भी ये मेरे को थोड़ा सा कम पड़ गया था, 50 का पड़ गया था, मतलब 51 का इतना पड़ गया था। तो ये HP की तरफ से 15S यहाँ पे आता है, HP की तरफ से। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसका तो पूरा व्लॉग बनाया था, मैं इसको खरीद के लेके आया था, लेकिन तब मेरे को ये था कि इसमें चल जाएंगी चीजें। लेकिन अभी थोड़ा बहुत है ना इसका, और सर्दियों में हो रहा पता नहीं क्या गर्म, ऐसा ही कोई दिक्कत है कि वो कभी भी स्टार्ट नहीं होता। बीच बीच में ऐसा उसको स्लिप करो तो बाद में स्टार्ट नहीं होता, पूरा रीस्टार्ट, पूरा की पूरा रीस्टार्ट करना पड़ता है, तब स्टार्ट होता है। तो ये दिक्कत भी मेरे को इसके अंदर आ रही है। और साथ ही साथ में आप थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन यहाँ पे और भी देख सकते हो, तो ये Ryzen 5, तो मतलब इसका थोड़ा सा रैम के अंदर भी काफी ज्यादा दिक्कत है। Ryzen प्रोसेसर के अंदर रैम के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत है, मैंने देखी अभी काफी वीडियोस देखी थी, तो उसके अंदर पता नहीं ये इसी सीरीज के अंदर है या फिर कोई बाकियों में भी है। बाकी इसके अंदर तो काफी ज्यादा रैम वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, बाकी आप देख सकते हो, बाकी स्पेसिफिकेशन वगैरह आप देख सकते हो। और इसके अंदर कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो वीडियो एडिटिंग में भी बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत यहाँ पे आ जाती है मेरे को, तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो अभी मेरा थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा ले सकता हूँ मैं, अगर मेरा थोड़ा सा यहाँ पे YouTube भी अगर ढंग से परफॉर्म कर जाए, और भी है ना काफी ज्यादा यहाँ पे फैक्टर है, उनकी वजह से मैकबुक भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन मैकबुक का मेरे को पूरा डाउट नहीं है क्योंकि ना सारी वीडियोज भी यहाँ पे नहीं मिलती। कोई पर्सनली यूज करके रखा होता ना वो तो ढंग से आपको बता देगा, लेकिन मेरे ग्रुप में या फिर मैं किसी को नहीं जानता जिसके पास मैकबुक यहाँ पे है। और मैंने जब इसका व्लॉग डाला था तब उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको ये नहीं ये वाला लेना चाहिए था, तो इस वाले पे भी आप एक बार कमेंट कर जरूर मेरे को कर दीजिए, जिससे मेरे को पता चल पाए कि मेरे को ये नहीं ये वाला लेने में ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा है। क्योंकि ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही बजट मेरा है, बाकी नॉर्मल सा बजट है, तो आप मेरे को कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो कि कौन सा मेरे को ज़्यादा सही यहाँ पे रहने वाला है। एक चीज़ और भी मेरे को आप यहाँ पे बता सकते हो, मेरे को ये ऑनलाइन लेना चाहिए कि ऑफलाइन लेना चाहिए। ऑफलाइन तो मैं अभी ना यहाँ पे 28 या फिर 29 तारीख को देखने जा रहा हूँ, हो सकता है अगर EMI वगैरह ढंग से अगर सेट बैठ गया तो ले भी लूंगा मैं। तो ब्लॉग में बनाऊंगा जब देखने जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे एक मॉल है तो उसके अंदर एप्पल का एक स्टोर है, मतलब रिटेलर स्टोर है, तो उसके अंदर देखने जाऊंगा। उसके अंदर अगर मेरे को ढंग से मिल गया तो उसका ब्लॉग आप लोगों के आएगा। और आपने मेरे को उससे पहले यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि ये वाली वीडियो उससे पहले यहाँ पे आ जाएगी, यूट्यूब पे आ जाएगी, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सा मेरे को लैपटॉप यहाँ पे लेना चाहिए, विंडो लेना चाहिए। क्योंकि मैंने बेसिक तो आपको बता दिया, वीडियो एडिटिंग है, थोड़ी एडिटिंग ज्यादा हैवी भी नहीं है, बट थोड़ी ऐसी है कि उसका साइज वगैरह ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अभी मैं एंड्रॉइड यूज करता हूँ तो फाइल ट्रांसफर वाली दिक्कत भी यहाँ पे आती है शायद, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, बाकी इसके भी कुछ होते हैं। लेकिन एक
इजी वे मेरे को किस में पड़ेगा तो आप कमेंट करके मेरे को बताना, और ब्लॉग पूरा जब मैं खरीदूंगा तो उसका भी मिलेगा, या तो मैं लैपटॉप खरीदूंगा, लैपटॉप में भी मैंने नाइट्रो खरीदूंगा, या तो या फिर इंस्पायर 7, क्योंकि ना बाकी उससे ऊपर जाते हैं तो बहुत ही ऊपर चली जाती है, प्राइसिंग भी काफी चली जाती है, और फिर ना और मेरे को एक ऐसा भी लैपटॉप चाहिए जो है ना कम से कम मेरा 5 से 6-7 साल तो चले, इतना ऐसा एक लैपटॉप चाहिए। इसलिए मैं ना विंडोज के ऊपर थोड़ा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है, और मैंने सुना है मैकबुक का थोड़ा ज्यादा सही हो जाता है, ठीक चल जाता है, मतलब 6-7 साल तो चल ही जाता है। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे को कौन सा लैपटॉप यहाँ पे लेना चाहिए, मैकबुक या फिर विंडो।